होटल राजमहल एपिसोड 59 भ्रूण। ऊपर से आ रही तेज चीखने और चिल्लाने की आवाजों को सुनकर दिव्या और विशाल ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। वो दोनों जितना ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं उतनी ही लड़ने की आवाजें तेज होती जा रही होती हैं। ऊपर लॉबी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसी रूम नंबर 3026 से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही हैं, जिसमें वो पति पत्नी ठहरे हैं जो अभी कुछ देर पहले ही होटल राजमहल में दाखिल हुए थे। विशाल और दिव्या दबे कदमों से उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगे और तभी उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जब इन दोनों ने अंदर झांक कर देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गए। उस औरत ने अपना पल्लू उतार दिया है और उसके बाहर निकले हुए पेट को देखकर कोई भी साफ बता सकता है कि वो मां बनने वाली है। लेकिन बन्ना, थम मारी भी तो बात सुनो, यो भी तो हमारी ही औलाद है, मारा खून है, उस औरत ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने पति से कहा। देख, तुम हारे से मगज न मार, कल के कल हम डॉक्टर साहब ने बुला के इस कलंक ने राम राम सा कह देवेंगे, बस। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर उस औरत को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो और वो अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके पति ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उससे कहा, तू मारी एक बात अपने कान खोल के सुन ले भींदड़ी, आदमी का वंश सिर्फ छोरों से ही चले है, इन छोरियों से कोनी, तू मारे को एक छोरा तक तो दे ना पाई और अब मारी छाती पर यो बैल रखना चाहवे से। लेकिन छोरिया भी तो देवी माँ का रूप होवे से, उनके अंदर लक्ष्मी मैया वास करे है, उस औरत ने एक बार फिर अपने पति को समझाने की कोशिश की। लेकिन उसकी बातें सुनकर वो आदमी काफी नाराज हो गया। रे मूरख लुगाई, तने समझ कोनी आवे, तने मारी छाती पर पहले से ही तीन देवियां छोड़ रखी है ना, मैं उन्हीं की पूजा अर्चना करके खुश हूं, अब मारे को अपना वंश बढ़ाने के लिए छोरा चाहिए छोरा, और अब तन्ने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो देवी मां की सौ, मैं थारी जबान खींच लूंगा। अपने पति के मुंह से अपने ही बच्चे के लिए ऐसी बातें सुनकर वो औरत काफी गुस्सा हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं भी देखती हूं कि कैसे कोई मारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यह मारी औलाद है, मारा खून, और अब इसकी रक्षा मैं ही करूंगी, अपने भ्रूण की जांच करवा के पहले ही कानून अपराध किया है, नहीं तो थारे को कैसे पता चलता कि छोरी होगी या छोरा, अगर आपने ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। उसकी बात सुनते ही उसका पति गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने अपने पत्नी के गाल पर चटाक से खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। थारी ये हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान ऊंची करे है, कारपेट पर खड़े रहने की वजह से थप्पड़ पड़ते ही औरत अपना बैलेंस खो बैठी और उसका पैर फिसल गया और वो पेट के बल नीचे जमीन पर गिर गई। दर्द की वजह से उस औरत की चीख निकल गई, उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया और चीखने चिल्लाने लगी, मारी बच्ची को बचाओ। वो डर से वही पड़ी तड़पती रही और अपने पति से मदद की भीख मांगने लगी। नहीं नहीं, मारी बच्ची को बचा लो, मैं थारे से विनती करूं बन्ना, अपनी औलाद ने बचा लो। मन ने थारे से पहले ही कहा था कि यो बच्ची मारे को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अब तो मारे माँ बाबू को भी ये लागे है कि अब घर में छोरा ही आना चाहिए, लेकिन तूने मारी बात न सुनी तो अब सड़ यहीं पर। इतना कहते ही वो आदमी काफी फुर्ती से कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है और दिव्या और विशाल के बिल्कुल पास से उन्हें देखे बिना ही होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके भारी भारी जूतों की तेज रफ्तार से आ रही आवाजें ये साफ बता रही है कि वो जल्द से जल्द अपनी बीवी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। उस आदमी के जाने के बाद कुछ देर तक तो वो औरत चिल्लाती रही, मगर थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज बंद हो गई और वहां पर एक बार फिर एक डरा देने वाला सन्नाटा छा गया।
दिव्या और विशाल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हो कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। विशाल ने दिव्या की तरफ देखकर धीरे से अपना सर हिलाया और काफी धीमे धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक साए की आवाज के साथ उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दिव्या और विशाल दोनों के होश उड़ गए। अंदर वो औरत बेहोशी की हालत पर जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी बॉडी से काफी खून बह रहा है। उसका घाघरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका है और उसकी ये हालत देखकर दिव्या और विशाल दोनों समझ गए कि उसका बच्चा और ये औरत दोनों अब मर चुके हैं। दिव्या का हाथ अपने आप उसके मुंह पर चला गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई अपनी बीवी और बच्चे के साथ इतनी बेदर्दी से भी पेश आ सकता है। ये सब देखकर विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। तभी अचानक से उनके देखते ही देखते वो औरत वहां से गायब हो गई। उसके साथ साथ कमरे का सारा सामान भी पहले की तरह अपनी जगह पर वापस पहुंच गया। ये सब देखकर दिव्या और विशाल की आंखें खुली की खुली रह गई। उन दोनों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो अपना सर घुमाकर अपने आसपास देखने लगे लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो वहां से उल्टे पांव वापस आने लगे और उनके कमरे से वापस आते ही एक धड़ाक की आवाज से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे होटल राजमहल के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। वो दोनों ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही पीछे मुड़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पीछे एक लंबा घूंघट डाले हुए वही औरत खड़ी है। उसका पूरा शरीर जल चुका है और उसके जख्मों से जगह जगह से खून रिस रहा है। उसकी गोद में एक आधा अधूरा बच्चा है जिसके ऑर्गन्स साफ नजर आ रहे हैं और उसके शरीर पर अभी ठीक तरह से चमड़ी भी नहीं आई है। यहां तक कि उसके हाथ की उंगलियां और चेहरा भी अभी ठीक से बन नहीं पाया है। ऐसा लग रहा है जैसे उस औरत ने अपनी गोद में मांस का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ हो। अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आई और हवा के झोंके के साथ उस औरत का पल्लू उड़कर उसके सर से नीचे गिर गया। उस औरत का जला हुआ चेहरा और बिना पुतलियों वाली आंखें देखकर दिव्या की चीख निकल गई। वो औरत धीमे कदमों से चलती हुई उन दोनों की तरफ ही बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है पीछे पीछे खून से उसके पैरों के निशान बन रहे हैं और जमीन पर हर जगह खून ही खून फैल चुका है। उस औरत के आगे बढ़ने की वजह से दिव्या और विशाल भी अपने कदम पीछे हटाने लगे, मगर कुछ कदमों के बाद ही उनकी पीठ एक दीवार से जा लगी। जब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वो डर के मारे वहीं खड़े रह गए। उन दोनों का पूरा शरीर डर से थर थर कांप रहा है और वो अपने दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहे हैं। उनके बेहद नजदीक आकर वो औरत अचानक से रुक गई और उसने विशाल से कहा, मैं और मारी बच्ची सालों से इंतजार कर रहे हैं। तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है विशाल। अब तुम्हें मुझे और मारी बच्ची को इंसाफ दिलाना ही होगा। उसकी आवाज इंसानों जैसी भी नहीं लग रही और उस भूतिया आवाज को सुनकर विशाल और दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। होटल राजमहल के अंदर चलती हुई तेज हवाएं और भी खतरनाक हो गई, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। अगर मारे और मारी छोरी को इंसाफ नहीं मिला तो मारी बात याद रखना, मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। उसके इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। वो औरत दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। उसका जला हुआ शरीर और आधा अधूरा बच्चा देखकर दिव्या और विशाल के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही उसने दिव्या और विशाल को धमकी दी तभी जोर से आसमान में बिजली कड़की और अचानक से वो उनके सामने से गायब हो गए। होटल राजमहल में चल रही तेज हवाएं बिल्कुल शांत हो गई
और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया। वो औरत कहाँ चली गई? दिव्या ने घबराते हुए विशाल का हाथ पकड़ लिया और पूछा। विशाल भी घबराकर डरते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कहीं पर भी कोई नजर नहीं आया। डर के मारे उन दोनों की धड़कन तेज हो चुकी है और उनके माथे पर पसीना आ गया है। तभी विशाल की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें 3:15 बज रहे हैं। वो तुरंत कमरे से निकलकर बाहर भागने लगा। विशाल, तुम कहाँ जा रहे हो और इस तरह से भाग क्यों रहे हो? उसे इस तरह से भागते हुए देखकर दिव्या बहुत कंफ्यूज हो गई। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक और दिन का इंतजार करें। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो आदमी और औरत कहां से आए थे, नहीं तो वो हमें भी यहां पर आत्मा बनाकर कैद कर देगी। विशाल ने जवाब दिया और वो तुरंत हॉल से रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ने लगा। रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से वही 7 साल पुराना एंट्री रजिस्टर निकाला और उसके पन्ने पलट पलट कर देखने लगा। दिव्या भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई और वो भी विशाल की मदद करने लगी। तभी उन्हें रूम नंबर 3026 की एक एंट्री नजर आई। ठाकुर सुजान सिंह और नंदिनी सिंह। उस पन्ने को देखते ही वो लोग समझ गए कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही पति पत्नी है। उसने तुरंत वो पेज रजिस्टर से फाड़ लिया। उसी वक्त अचानक से पूरे होटल राजमहल के अंदर धू धू करके आग लगने लगी और विशाल ने तुरंत दिव्या का हाथ पकड़ा और वो लोग भागते हुए होटल राजमहल से बाहर निकल आए। होटल से बाहर आकर दिव्या और विशाल की सांसें फूली हुई हैं और दिव्या विशाल से पूछती है, हमें उन लोगों का पता तो मिल गया, लेकिन अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है दिव्या। हमें अभी के अभी इस पते पर लिखे जैसलमेर के इस गांव में जाना ही होगा, ताकि हम जल्द से जल्द पता लगा सके कि आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी। विशाल ने कुछ सोचते हुए दिव्या की बातों का जवाब दिया। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बस में बैठकर जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर और रेगिस्तान की गर्मी उन्हें बहुत परेशान कर रही है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ रेगिस्तान और बीहड़ ही दिख रहा है। बस में बैठे बैठे विशाल की आंख लग गई, मगर खिड़की के पास बैठी दिव्या अभी भी बाहर देख रही है। तभी अचानक से उसे रास्ते में वही औरत अपने हाथ में एक बच्चा लिए नजर आती है। वो तुरंत घबराकर विशाल को उसकी नींद से जगाती है और कहती है, विशाल विशाल उठो, मैंने अभी अभी उसे देखा, उठो। उसने विशाल को उसके हाथ से पकड़कर जोर से झिझोड़ दिया। क्या हुआ है तुम्हें, अब किसे देख लिया तुमने? विशाल ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। वही औरत विशाल, वही जिसकी गोद में वो बच्चा था, वो अभी यही सड़क के किनारे खड़ी थी, दिव्या ने घबराते हुए जवाब दिया। विशाल ने तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं है। अरे चलती बस में तुम्हें कैसे कोई नजर आ रहा है? देखो ये सब तुम्हारे मन का वहम है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, चाहो तो थोड़ा पानी पी लो। ले छोरी पानी पी ले। तभी पीछे की सीट से एक औरत ने पानी की बोतल दिव्या की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू। लेकिन दिव्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसके होश उड़ गए। उनके पीछे की सीट पर और कोई नहीं बल्कि वही औरत बैठी हुई है। उसका अधजला शरीर और उसकी गोद में पकड़ा हुआ बच्चा देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहद जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनते ही विशाल ने अपने कान पर हाथ रख लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है दिव्या? अरे यो छोरी पागल हो गई है के? काई चिल्लावे है? बस में बैठे बाकी लोगों ने उसकी चीख सुनकर नाराज होते हुए कहा, पीछे सीट पर देखो। दिव्या ने काफी मुश्किल से डरते डरते जवाब दिया। विशाल ने अपना चेहरा पीछे घुमाकर देखा तो वहां पर एक औरत अपने हाथ में पानी की बोतल लिए बैठी हुई है। के हुआ छोरे? तभी बंसी ने विशाल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कितनी जोर से चिल्लाती है ये लड़की, सोने भी नहीं देती। वही मुरली ने भी विशाल के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, ये विशाल है ना,
लड़कियां इसकी कमजोरी है। इतना कहते ही बंसी और मुरली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर विशाल ने कहा, सब सुन रहा हूं मैं। ये सुनकर बंसी ने कहा, हमें क्या कह रहा है, इस लड़की को चुप करवाना। विशाल ने गुस्से से दिव्या से कहा, चुप नहीं बैठ सकती, हमारी बेइज्जती करवा रही हो। ये सुनकर बंसी और मुरली एक बार फिर हंसने लगे। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, बड़े आए बेइज्जती वाले। इतना कहकर मुंह बनाकर दिव्या आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद विशाल ने बस से उतरकर एक आदमी से पूछा, सुनिए ये बीरपुर गांव जाने के लिए कौन सा रास्ता है? उस आदमी ने जवाब दिया, यहां से कुछ मील पैदल चलने के बाद आपका बीरपुर गांव ही आएगा, लेकिन वहां तक आपको पैदल ही जाना होगा, वहां कोई घोड़ा गाड़ी या रिक्शा नहीं जाता है। जी शुक्रिया। मीलों तक पैदल, वो भी इतनी गर्मी में? विशाल प्लीज डू समथिंग, मैं तो पागल हो जाऊंगी इतनी गर्मी में। दिव्या ने विशाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कुछ ही देर की तो बात है, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम कुछ ही देर में उस गांव में होंगे। विशाल ने दिव्या को समझाया। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी और कुछ कदम आगे जाकर उन्हें एक हैंडपंप से पानी पीने का ख्याल आया। मैं पानी पी लेता हूं और तुम हैंडपंप चलाना। विशाल ने अपने दोनों हाथों को हैंडपंप के नीचे झुकाकर पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते पानी का रंग खून की तरह लाल हो गया और जैसे ही विशाल ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि हैंडपंप कोई और नहीं बल्कि वही औरत चला रही है। उसने एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है जिससे खून लगातार टपकता जा रहा है और उसका दूसरा हाथ हैंडपंप पर है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या इस औरत और उसकी बच्ची को इंसाफ दिला पाएंगे विशाल और दिव्या? तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या संजीव की तरह ही अमन का भी अंत इतना ही दर्दनाक होगा? आखिर मल्लिका के साथ इस सब का क्या लेना देना है?